नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। प्रेगनेंसी सीरीज़ के तहत हम लोग बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में होने वाले चेंजेस के बारे में, उसमें रखे जाने वाले ध्यान और परहेजेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में आप अपना ध्यान कैसे रखेंगी। बेसिकली प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसको शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिर के 3 महीने, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा महीना उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथा, पांचवा और छठा महीना यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, और सातवां, आठवां और नवां महीना यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, आज हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी कि 12वां हफ्ता पूरा होकर 13वें हफ्ते में आप एंटर करते हैं, तो जो पिछले 3 महीनों में आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी, आपका जी मिचला रहा था, जी खराब था, वो सब अब धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आपकी भूख बढ़ने लगती है, आपकी उल्टियाँ कम होने लगती है, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो दवाइयाँ हम इनके लिए दे रहे थे उनको अब हम कम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर आपका शुरू होता है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ होती है कि अब आप अच्छे से खा सकती हैं, अपना मन का खाना पीना कर सकती हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो इस ट्राइमेस्टर में ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें जाँचें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और किस तरीके का खान पान इस ट्राइमेस्टर में, इस 3 महीनों में आप रखेंगे, और क्या क्या आप परहेज रखेंगे, इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में आज पूरा बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जांचों के बारे में कि सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 12 हफ्ते से लेकर 28 हफ्ते तक कौन कौन सी जांचें आप करवाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जाँचें जो इस ट्राइमेस्टर में की जाती है, सबसे पहले आता है उसमें डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट यानी कि एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते तक करवाया जा सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कि इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, बीटा एससीजी और पैपे टेस्ट। पैपे यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, जिससे कि हम ये जान पाते हैं कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम की कितनी संभावना है, ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डाउन सिंड्रोम के बच्चे को जन्म देने से आपको ज़िंदगी भर परेशानी हो सकती है, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट से इस चीज़ की संभावनाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल भी ना चूके इस टेस्ट को ज़रूर करवाइए। डबल मार्कर के नाम से ये टेस्ट होता है, 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है। इसी के साथ एक सोनोग्राफी और करवाई जाती है जिसे NTNB स्कैन के नाम से बोलते हैं। NTNB स्कैन यानी कि न्यूकल थिकनेस एंड नेजल बोन का प्रेजेंस का टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये सोनोग्राफी में किया जाता है, बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि सिर के पिछले हिस्से के न्यूक्लियस का फोल्ड का थिकनेस कितना आ रहा है, और ये नाक की हड्डी बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उसमें नाक की हड्डी नहीं बनती है, और ये सोनोग्राफी में आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। तो डबल मार्कर टेस्ट और साथ में ये सोनोग्राफी जो 11 से 13 हफ्ते के बीच में होती है, इसको NTNB स्कैन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर करवाइए। डॉक्टर से आप जब भी विजिट के लिए जाते हैं तो आप इस टेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं और ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये दोनों टेस्ट अगर आपके नॉर्मल आते हैं तो आप आगे बढ़ें, और जैसे ही आप 15 से 18 हफ्ते में आप प्रवेश करते हैं, वहाँ पे आपका एक दूसरा ब्लड टेस्ट होता है जिसे क्वाड्रपल मार्कर के नाम से जानते हैं। क्वाड्रपल यानी कि 4, इसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं। ये भी एक प्रकार का ब्लड टेस्ट ही है, और ये बच्चे में डाउन सिंड्रोम देखने के लिए और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने के लिए करवाया जाता है। और इसमें जो 4 चीज़ें होती हैं वो बीटा एससीजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, इस्ट्रायोल और इनहिबिन ए, ये 4 टेस्ट इसके अंदर होते हैं, और ये ब्लड टेस्ट है, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो बच्चे में जन्मजात खराबी होने की संभावना हो सकती है, तो इस टेस्ट को बिल्कुल अवॉइड ना करें और ज़रूर से करवाएँ। ये 15 से 18 हफ्ते के बीच में होता है। क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट जैसे ही होता है तो आपको आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावनाओं के बारे में पता चलता है, साथ ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावनाओं का पता चलता है। इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट और करवाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बिना आप प्रेगनेंसी आगे ना बढ़ाएं, ये हमारी पर्सनल सलाह है आपको, क्योंकि ये टेस्ट है टारगेटेड अनोमली स्कैन, यानी कि एक तरह की सोनोग्राफी है जो 18 से 20 हफ्ते के बीच में होती है। और सोनोग्राफी के अंदर ये 3D सोनोग्राफी होती है, 2D भी हो सकती है, बट 3D इज़ मच बेटर देन द 2D।
एंड इसके साथ में कलर डॉपलर स्कैन भी ऐड किया जाता है। और इस स्कैन के अंदर, इस सोनोग्राफी के अंदर आपके बच्चे की पूरी बनावट को, पूरी चीज़ों को, एक एक अंग को अच्छे से स्कैन किया जाता है। बहुत डिटेल्ड में सोनोग्राफी की जाती है और एक एक चीज़ चेक की जाती है कि सिर की हड्डी, आँखें, नाक, मुंह, कान, हाथों की उंगलियां, हाथ पैरों की हड्डियां, किडनी, लिवर और यूरिनरी ब्लैडर, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत डिटेल्ड सोनोग्राफी होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 18 से 20 हफ्ते के बीच में करवाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके बच्चे में बाई चांस इतने से भी कोई खराबी है या ऐसी कोई बनावटी खराबी है जिसकी वजह से उस बच्चे को जन्म देना नुकसानदेह हो सकता है या वो बच्चा जन्म लेने के बाद जीने लायक नहीं हो, तो ऐसे बच्चे की प्रेगनेंसी को अगर आप 9 महीने तक कैरी ऑन करते हैं, फिर उसकी डिलीवरी होती है, तो एक मेंटल ट्रॉमा भी होगा और बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। तो एक सोनोग्राफी के द्वारा आप सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराना ये इसलिए ज़रूरी है, इस टाइम पे बच्चा पूरा बन चुका होता है और उसमें बच्चे के सारे अंगों का विकास हो चुका होता है, तो हम अच्छे से स्कैन कर पाते हैं, पहली चीज़। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडिया के अंदर यानी भारत देश में MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो परमिशन है वो 20 हफ्ते तक ही है। अगर आप 20 हफ्ते के बाद में यानी 21 हफ्ते पे, 22 हफ्ते पे ये टेस्ट करवाती हैं और आपको पता चलता है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसी खराबी है कि अगर आप उसको जन्म देते हैं तो जीने लायक नहीं है या कंडीशन बहुत ख़राब होगी, और अब आप चाहते हैं कि अबॉर्शन हो जाए, लेकिन 20 हफ्ते के बाद लीगल अबॉर्शन एडवाइज नहीं है, मतलब परमिशन नहीं है अपने इंडिया में लॉज के तहत, इसलिए उसको 20 हफ्ते से पहले पहले आप करवा लें तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच पाएंगी। क्योंकि बच्चे में जन्मजात खराबी अगर है तो इट इज़ लीगल कि आप अबॉर्शन करवा सकती हैं, लेकिन ये 20 हफ्ते से पहले ही परमिसिबल है। इसलिए 18 से 20 हफ्ते के बीच में आप ये डिटेल्ड सोनोग्राफी वाला टेस्ट ज़रूर करवाइए और 15 से 18 हफ्ते के बीच में क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट करवाइए। ये तीनों दोनों टेस्टों के साथ में आपको एक कंप्लीट एक ओवरव्यू आ जाता आपके बेबी का कि आपके जो पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत सही है, हेल्दी है, उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। क्योंकि कोई भी कपल, कोई भी मम्मी पापा ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे में इतनी सी भी कोई खराबी हो, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, हेल्दी हो और हंसता खिलता हो। डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट और 2 सोनोग्राफी, ये चारों टेस्ट से हमारे बच्चे का अपने को कम्प्लीट इवेल्युएशन अब हो गया है। अब जैसे ही हम 22 हफ्ते में प्रवेश करते हैं, 22 से 24 हफ्ते तक, 26 हफ्ते तक हम बच्चे की हार्ट की जांच ज़रूर करवाते हैं, एक ताकि बच्चे के हार्ट का स्टेटस और पता लग सके। इसे फीटल इको के नाम से हम लोग जानते हैं, फीटल इको बच्चे का इको होता है हार्ट का, जिससे हार्ट की बनावटी खराबियों के बारे में पता चल पाता है कि हार्ट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो ज़रूर करवा लेना चाहिए। और 26 से 28 हफ्ते के बीच में ब्लड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट यानी GCT। GCT आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ होने की संभावना कितनी है इसके बारे में आपको बताता है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, आपको 75 ग्राम ग्लूकोज यानी 75 ग्राम ग्लूकोज दिन के किसी भी टाइम पे आप लेकर, इस टेस्ट में सबसे अच्छी बात यह कि आपको भूखा नहीं रहना है, आपको फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। 75 ग्राम ग्लूकोज एक ग्लास पानी के अंदर घोल के आप पी लीजिए, उसके सही 2 घंटे के बाद, 2 आवर के बाद में ही सैंपल आपको देना है। ब्लड सैंपल आप देंगे और उसमें ब्लड शुगर का जब टेस्ट करवाते हैं तो लेवल अगर 140 के ऊपर आता है तो दैट मीन्स कि आप में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ होने की संभावनाएँ है। और फिर आपको आगे फास्टिंग और PP टेस्ट, जिसको 8 घंटे की फास्टिंग के बाद में किया जाता है, फिर वो करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कुछ लेडीज़ होती हैं कि जिनकी मैटरनल हिस्ट्री होती है यानी मम्मी को, नानी को, मामा मामी को, पापा को, किसी को अगर डायबिटीज़ है तो आपकी प्रेगनेंसी में आपको खुद को डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो GCT टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो 26 से 28 हफ्ते के बीच में हम लोग करते हैं और 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के फिर ये टेस्ट किया जाता है। अब तक अपन ने जाना कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसमें डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट हो गया, 2 सोनोग्राफी हो गए, NT-NB स्कैन हो गया और टारगेटेड अनोमली स्कैन हो गया। इसके साथ में हमने देखा कि हमें फीटल इको एक करवाना चाहिए और एक हमें ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है जिसे ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट यानी GCT हमें करवा लेना चाहिए। तो ये सारे टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो इन टेस्ट की दृष्टि से सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइमेस्टर है और ये सब आप करवा लेंगे तो आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में आप जान पाएंगे।
अब जो अपने को सोचते हैं कि हमें इस ट्राइमेस्टर में कैसे क्या खान पान हमें रखना चाहिए, क्या और ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर्स के विजिट कब कब होंगे, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में अब आपको बता पाएंगे। तो आप अभी तक अगर आपने हमारा जयपुर दूरबीन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के खाने पीने और डाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।